आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर हैं। हैदराबाद हाउस में पुतिन और मोदी की मुलाकात भी होगी। दोनों भारत रूस की 21वीं शिखर वार्ता में शामिल होंगे। पुतिन का ये भारत दौरा सिर्फ 6 घंटे का होगा, लेकिन ये 50 साल की मजबूत भारत रूस दोस्ती को नया आयाम देगा। दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत के साथ कई अहम रक्षा के सौदे भी होंगे। पुतिन के इस दौरे में दोनों देशों के बीच एक डील पर सबकी नजर रहेगी। AK-203 असॉल्ट राइफल के प्रोडक्शन को लेकर दोनों देश किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। AK-203 भारत के डिफेंस के हिसाब से कारगर हथियार है। ये 300 मीटर की दूरी से टारगेट को मारकर गिरा सकता है। AK-203 असॉल्ट राइफल में 7.062.39 mm की गोली का इस्तेमाल होता है। बिना मैगजीन के AK-203 असॉल्ट राइफल का वजन लगभग 3.8 किलोग्राम है। AK-203 असॉल्ट राइफल हल्के वजन और एडवांस टेक्नोलॉजी वाली राइफल है। बता दें कि समझौते के तहत उत्तर प्रदेश के अमेठी में 5 लाख से ज्यादा AK-203 असॉल्ट राइफल का प्रोडक्शन किया जाता है। भारत और रूस के बीच इस समझौते से दुश्मनों में खलबली मच गई है। ये इस तरह से डिजाइन की गई है जिससे ये हल्की तो है, साथ ही चलाने में आसान भी है। इसके इस्तेमाल से सैनिकों की युद्ध क्षमता और ज्यादा बढ़ जाएगी। कैलिबर की तुलना में इसकी मारक क्षमता अधिक है। AK-203 राइफल का इस्तेमाल ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी रेंज करीब 800 मीटर और मैगजीन 30 राउंड तक है। 7.6239 mm कैलिबर वाली AK-203 असॉल्ट राइफल 3 दशक से अधिक समय से शामिल इंसास राइफल की जगह लेने वाली है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक पहली 70,000 राइफल की खेप में रूसी कलपुर्जे लगे होंगे। इसके बाद पूरी तरीके से ये राइफल स्वदेशी हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 डिजिटल। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल। अरी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।